तो आज की गुड न्यूज़ यह है कि परिवार जब एक साथ होता है तो वो लाइफ की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ होती है। और आज ऐसे ही चोपड़ा परिवार मेरे साथ है, तो मेरे साथ है मनारा चोपड़ा, जिनको आप जानते हैं, लेकिन मनारा की फैमिली में कौन कौन है आप नहीं जानते होंगे। तो आज मनारा हमें अपनी फैमिली से मिलाएगी, तो मनारा मैं चाहता हूँ आज इस मंच पर आप अपने परिवार से इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि आपको तो सब जानते हैं लेकिन आज मौका है परिवार को दर्शकों से मिलाने का। जी बिल्कुल, सबसे पहले सारे जो भी लोग देख रहे हैं उन सबको होली और संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज तक के माध्यम से आप पहली बार मेरी फैमिली को मिलेंगे। सो ये है मेरी मॉम, जो हेड ऑफ द फैमिली है, शी इज़ कामिनी चोपड़ा हांडा एंड शी ऑल्सो मैनेजेज माई वर्क। तो वो होम मेकर के साथ एक वर्किंग वुमेन है। एंड दैट्स माई सिस्टर मिताली, जो बहुत सारे दिल्ली में शोज करती रहती हैं बिकॉज शी इज़ इन टू द बिजनेस ऑफ डायमंड। सो अभी लास्ट वीक भी इन्होंने बहुत अच्छा शो किया था विद लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़, बट लाइमलाइट से काफ़ी दूर रहना पसंद करती हैं, तो हम इन्हें खींच खींच के लाते हैं लिटरली फॉर दिस इंटरव्यू। वी ऑल आर वेटिंग जस्ट फॉर हर, सो शी इज़ अ सेलिब्रिटी फॉर दिस वेरी इंटरव्यू। दैट्स इट। आज ये मौका कैसे हुआ, तीनों साथ आया, आई नो ये भी बिजी रहती है, आप भी आज कैसे, कामिनी जी कैसे आप दोनों बैंडों को एक साथ लिया है? क्योंकि दिस शो वाज इन दिल्ली, दैट्स व्हाई। तो दिल्ली में है तो ऑफ कोर्स मिताली इज आल्सो फ्रॉम दिल्ली एंड मनारा का घर स्कूल आर बेस आर होम इज हियर ओनली। So and her event obviously with Raju sir was here, so otherwise she was in Hyderabad, so she came yesterday by morning flight only, so that's how we connected and we met here, and obviously Raju sir is again family, so we had to come yesterday. I didn't turn up, so then he gave 100 calls that no, where is the younger one, then I was like okay, I'll pay my presents today, like that. कुछ बचपन की बातें जानना चाहूँगा, दो बहनें होती है ना, वो लोग लड़ती भी हैं लेकिन प्यार भी उतना ही होता है, तो कुछ राज खोले, कैसी बहनें थी, कितना लड़ती थी एक दूसरे के साथ? जो मिताली है वो अपनी ड्रेसेस को बहुत संभाल के, अपने बैग को बिल्कुल किसी को टच नहीं करने देती थी, एंड शी वॉज ऑलवेज यू नो टच हर बैग्स, यू नो, तो वो कहती थी किसने, मैं बेसिकली उनकी जो भी वो कलेक्शन कपड़ों की बनाती थी मैं उसमें से चुराती थी कपड़े, अपने सूटकेस में डालती थी और जहाँ भी मतलब काम के लिए जाना होता था चली जाती थी, और फिर मीडिया इवेंट पे उन्हें वो ड्रेस दिखती थी तो वो घर पे चिल्लाती थी, और आज तक वो सिलसिला वैसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलता रहता है कि मुझे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो अंडरग्राउंड करनी पड़ती है कि ये एरिया में ये ना घुसे, आई हैव टू लुक फॉर अलग अलग जगह, अलग अलग प्लेसेस टाइम टू टाइम कि उस किस चीज़ को कहाँ पे छुपाऊँ कि वो वहाँ पहुँचे ना, बट अल्टीमेटली वो पहुँची जाती है। पर अभी काम काफ़ी इजी हो गया है क्योंकि इन्होंने अभी ओपन वार्डरोब बना लिया है, तो अभी ज़्यादा कुछ भी छुपा नहीं पाती हूँ, प्रॉब्लम ही हो गया। जब दोनों छोटी थी तो दोनों में कितना साल का डिफरेंस था और कैसे ये दोनों एक दूसरे का ख्याल रखती थी, क्योंकि दो बहनें होती हैं वो एक तरह से बिल्कुल एक दूसरे का ख्याल रख लेती हैं? बहुत डर लगता था बिकॉज बोथ दोनों का 2 साल का डिफरेंस है हार्डली, और कहीं भी कुछ भी फैमिली फंक्शन भी हो, और दिल्ली में आपको पता है बड़े बड़े वो होते थे सब होटल्स वगैरह, तो आई यूज़ टू मेक सेम टाइप ऑफ अ ड्रेस इन एवरी फेस्टिवल और कोई भी शादी हो, तो मुझे डर लगा रहता था कौन आ जाए। आई नेवर यूज़ टू एंजॉय कि बच्चे हैं, एंड इट वॉज़ गुड फन, अच्छा लगता था दोनों को वॉच करते हुए, ग्रो अप करते हुए, जस्ट आई एंजॉयड देयर चाइल्डहुड, यू नो, एंड नाउ शी स्टिल एंजॉयिंग विद अस, नाउ शी मैनेजेस माय वर्क। जैसे मेरी शूट ख़त्म हो जाती है और मैं बॉम्बे चली जाती हूँ तो वो मम्मा को बहुत स्मार्टली समझ आता है, अच्छा अभी 10 दिन कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, तो वो इसके पास आ जाती है, फिर यहाँ पे एंटरटेनमेंट टू आवर बिजनेस विद डायमंड ज्वेलरी, तो शी इज़ वर्किंग विद मनारा ऑल्सो एंड ऑब्वियसली विद मी ऑल्सो, शी इज़ ऑलवेज वर्किंग, मम्मा इज़ ऑलवेज वर्किंग, अगर उनका मीडिया इवेंट्स नहीं होता या मूवी का कोई शूट नहीं होता तो देन शी इज़ अ डायमंड पर्सन, एंड अदरवाइज शी इज़ एन इंडस्ट्री पर्सन मम्मा, सो शी इज़ मैनेजिंग बोथ। कहते हैं जो मम्मी होती हैं लड़की की बेस्ट फ्रेंड कॉन्फिडेंटा होती है, सबसे ज़्यादा लड़कियाँ उनसे शेयर करती हैं, तो आप मम्मी के साथ कितनी क्लोज थी हमेशा से जब छोटे से थे, और छोटी छोटी बातें बताती थी अभी भी है, तो कैसा बॉन्ड है, आई मीन इट कैन बी डिस्क्राइब, बट इफ आई हैव टू आस्क यू व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड यू शेयर विद योर मॉम? सो बेसिकली इट्स लाइक वी रियली फील लाइक मॉम इज़ मोर लाइक अ सिस्टर,
we take care of her, we ensure that she also takes care of us, but we also ensure that we are, you know, equally supportive towards our mom. और ऐसा कुछ नहीं है हमारी फैमिली में that there are secrets or oh my god I can't be a secret in the family. Everything is so public. अल्टीमेटली ऐसे घर में लड़ाई होती है, सबको सब बात पता ही होती है, एवरी मोमेंट लाइक दैट. इट्स नॉट अ लड़ाई बट इट्स मोर लाइक वी आर वेरी क्लोज, सो देयर इज नथिंग लाइक वी हैव टू हाइड एनीथिंग. इट्स लाइक जो भी है तो वो बोल ही देते हैं घर पे. देयर इज नथिंग लाइक अ हिडन थिंग, नो मिस्ट्रीज. स्कूल में आप ध्यान रखती थी अपनी छोटी बहन का? रोते भी आपके पास तो नहीं आती थी दीदी दीदी, या उल्टा था? I was like, I was very protective about her. तो स्कूल की जब बस 2 बजे छुट्टी होती थी और 2:10, 2:15 पे बस जाती थी, तो अगर 2 o'clock वहाँ पे वो गेट पे नहीं खड़ी तो I'll wait for 3 minutes. तब तक सब नॉर्मल रहता था, बट अगर 2 मिनट और तो मेरा टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता था कि तू गई कहाँ थी, वे वर यू, तो खो जाती तो क्या होता. तो शी यूज टू बी लाइक ओ माई गॉड माई सिस्टर इज लिटिल साइको, बिकॉज इवन इन द इवनिंग इफ आई यूज टू गो फॉर प्लेइंग इन द पार्क, इन द सोसाइटी पार्क, सो इफ आई वुड नॉट बी देयर फॉर फ्यू मिनट्स, अगर मैं घर के आसपास नहीं हूँ या क्या, दूर से एक आवाज़ आती थी मैं ताली, एंड आई यूज टू फील एम्बेरस्ड कि मेरे सारे फ्रेंड्स कहेंगे क्यों इसकी फिर से बहन आ गई है इसको घर ले जाने के लिए. सो या दैट सॉर्ट ऑफ relationship we had, relationship, shelter, everything we had. So yeah, so thank god mobile is the same. Yeah, ab mobile phone aa gaya, so it's easier. Otherwise abhi bhi aadhi ghante phone nahi uthaye to seedha chillate hue phone jaate ki phone kyun nahi uthaya. For instance, just now she said why aren't you picking up your phone, so that impulsive nature is still there, that if I am calling you up so you should be the first one to answer, so that is still there. But yeah, otherwise we are blessed, we are just two sisters and everything is very nice. तो आप लोग क्योंकि चोपड़ा परिवार कई जगह आप लोग रहे हैं, तो मैंने इनसे भी पूछा था कि दिल्ली, हैदराबाद एंड मुंबई, 3 सिटीज एंड अम्बाला US, चलो पाँच, तो इन पांचों शहरों में क्या क्या एक्सपीरियंस लिए और कौन सा आपके दिल के करीब है? स्टार्ट विद दैट, जिसमें आप लोगों ने तीनों ने साथ गुजारा है टाइम. See, I would say out of all the cities, Delhi and Ambala will always be the closest because Ambala is our birthplace and of course our nani's house. So, वहाँ की जो childhood memories हैं, lifetime memory के साथ साथ ऐसा solid base level infrastructure देती है आपको, you cannot take away your childhood memories from within. So those were and still are the best memories we have. Born in Ambala but brought up in Delhi, so most of the time has been in these two cities. So for me, I would say these two cities have been good part of, always the good part of our memories. And yes, of course, Mumbai is also home, so now it is even the more better. It is adding on to the list. I would say पांचों ही शहर मेरे दिल के बहुत करीब है, तो अब तो literally हो गया है कि हर जगह मैं जाती रहती हूँ. I have started living out of a suitcase. Bombay में मेरी गाड़ी है जो बिल्कुल नहीं चलती, वो 5 दिन चलती है महीने में. एंड डेली आती तो I have a car here. हैदराबाद जाती हूँ I have a car there. But everything is like now I'm just you know shuffling in between all the places. Or US जाओ तो of course I have loads of friends there and lot of love I'm getting from that country also because people are very nice when I'm going for events or any cultural functions or anything. So I think पांचों ही बहुत करीब और I have the best cities in my hand, I would say. आपका फेवरेट? आप मुझे बता चुके हैं लेकिन फिर भी ज्यादा व्यूअर्स को बताएं कौन सा सिटी. तो एक ही है, सब बता सकते हैं, पूरी इंडस्ट्री बता सकते हैं. अम्बाला अम्बाला में खास क्या खाने की चीज़ें क्या मिलती हैं? उनका घर है ना, वही वो तो घर है, वो तो यही घर तो बहुत बड़ा है जी. द ग्रेस ऑफ गॉड 6.5 acres, सब कुछ वेजिटेबल फ्रूट, so many things are there. So I just love
मेरे दोनों बच्चे भी आमिया हॉस्पिटल में ही पैदा हुए, भैया बस पोस्टर एट दैट टाइम। तो लॉट्स वाली मेमोरी सारी लाइफ ही वहाँ निकली, स्कूल वहाँ, कॉलेज वहाँ, स्टिल आई कंटिन्यू टू गो गोपाला को तो मैं भूल ही नहीं सकती। एक बार जो भी जाएगा, जो भी आमी के लोग भी थे, इवन दे यूज्ड टू से कि माला की पोस्टिंग है, दैट्स द बेस्ट, यू नो, क्योंकि एक बार कोई जाएगा तो भूलेगा नहीं वहाँ से, मतलब सो मच कोजी, रियल ट्रूथफुल, हेल्पफुल एंड रियल पीपल, वर्किंग पर्सन। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि चोपड़ा परिवार इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे, क्योंकि घर की लक्ष्मी बेटियां जो हैं उनका नाम रोशन करें, बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। आज दिन मोबाइल ऑल द बेस्ट, सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस एंड कीप लविंग योर फैमिली एंड सेलिब्रेट द न्यू ईयर विद योर फैमिली, ऑलवेज हैव रिस्पेक्ट फॉर योर फैमिली एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली, इज व्हाट आई वांट टू से, लाइक हाउ वी आर। बस इस इवेंट के बारे में जानना चाहूँगा, सिद्धि सविता जो है आप आए थे देश विदेश के, आप लोगों से मिले, कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर आकर, विश्व सिद्धि सेवा संघ के संगम में आकर आज आपको कैसा यहाँ पर सिद्धि सेवा संघ के साथ हमारी एक जूम की कम्युनिटी है जिनसे हमने बात करी थी एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ इट एंड राजू मनवानी जी जो है ही आल्सो वांटेड मी टू बी अ पार्ट ऑफ इट, वी डिड दैट एंड उसके बाद आज उन्होंने अपने इवेंट को बुलाया। वेरी हैप्पी टू सी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग आए हैं मीट एंड ग्रीट को अटेंड करके एंड I'm here to support them, not only as a community, but being an Indian, I have to support every community in India. Thank you. आपने बताया आपको सिंधी कढ़ी आपके फ्रेंड ने खिलाई थी, तो सिंधी से सभ्यता के बारे में। डिलीशियस यार, मतलब माय फ्रेंड शी यूज्ड टू सेंड दैट, इट इज डिलीशियस, तो फिर तो लगे होता है बहुत ही टेस्टी, बट कढ़ी सिंधी कढ़ी आई लव। थैंक यू सो मच।